हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों वेव थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। और हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इस टॉपिक में हम बातचीत करेंगे सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है, वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है, अगर सुपरपोजिशन होता है तो कौन कौन सी फॉर्म इसकी पॉसिबल है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल हमारे इन पर बन जाते हैं, और किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा ये वाला टॉपिक सुपर पोजिशन ऑफ वेव। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ये जो टॉपिक है ये हमारे 12th के वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी एज इट इज काम में आता है, तो इसलिए 11th और 12th दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखो बच्चों, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था प्रोग्रेसिव वेव, अभी हम बातचीत कर रहे थे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब था कि जो वेव है वो एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर रही है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एनी मीडिया पार्टिकल। डेट मीन जो वेव है वो मूविंग है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से मूव कर रही है, इनको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव, करेक्ट। अब बातचीत आती है सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जैसे ऐसे समझ लो कि लेट से तुम्हारे रूम में तुमने दो साउंड सोर्स लगा रखे हैं, ठीक है, दो स्पीकर लगा रखे हैं, दो वूफर मैन लगा रखे हैं, एक में अलग गाना बजाया, एक में अलग गाना बजाया, या दोनों में अलग अलग म्यूजिक बजाया, एक में तबला का म्यूजिक बज रहा है और एक में कीबोर्ड हारमोनियम का म्यूजिक बज रहा है। दोनों को साथ में अगर हम बजाएं तो दोनों का म्यूजिक ट्यून्ड होके हमको सुनाई दे, ठीक है, जैसे मिक्सर होते हैं डीजे मिक्सर जो म्यूजिक को मिक्सअप कर देते हैं तो हमें मिक्सअप होकर सुनाई देता है। या मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि दो अलग अलग वेव थी, अगर मैं दोनों वेव को आपस में सुपर इम्पोज करा दूं और फाइनली मुझे एक ही वेव मिल जाए, डेट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि लेट से ये कोई भी एक वेव है, करेक्ट, और ये कोई भी एक वेव है, और इन दोनों वेव को बेटा हम यहाँ पर इस पॉइंट पर सुपर इम्पोज करा देते हैं और यहाँ से अपनी फाइनल वेव बन जाती है। हुआ क्या, ये एक फर्स्ट वेव थी, ये एक सेकंड वेव थी, दोनों सुपर इम्पोज हुई और सुपर इम्पोज होने के बाद यहाँ पर हमें एक रिजल्टेंट वेव मिल जाए, तो डेट फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर पोजिशन। अब रिजल्टेंट वेव होगी कैसी, होगी नहीं होगी, वो आगे की कहानी है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हैं कि एक वेव को दूसरी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं जिससे फाइनली हमें एक न्यू वेव मिल जाती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव, करेक्ट। ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब देखिए बच्चों, लेट से अगर हम वेव को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से करते हैं। मैं बोल देता हूँ, पहली वाली वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 है, सेकेंड वाली इक्वेशन की सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 है, और ये रिजल्टेंट वेव है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को yr लिख लेते हैं, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता है अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टू प्रोग्रेसिव वेव, टू और मोर देन टू, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम दो ही हो सकती है, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर देन टू प्रोग्रेसिव वेव आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर देन रिजल्टेंट वेव इज प्रोड्यूस्ड, रिजल्टेंट वेव इज प्रोड्यूस्ड। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन displacement equation
ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल वेव। डेट इज वाई वैक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर डॉट 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 yn वेक्टर। देखिए कहानी क्या है, ये बोलता है एज पर द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अगर मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बातचीत करूं तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताता है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्रेसिव वेव्स को सुपर इम्पोज किया जाता है। इनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेव बनती है, करेक्ट। एंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल वेव। ये जो इंडिविजुअल वेव है इनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का वेक्टर सम किया जाए, वही रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी। आई बात समझ में? तो एकदम आसान सी कहानी है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव को सुपर इम्पोज कर दिया है तो सीधी सी बात है सर, रिजल्टेंट वेव तो बनेगी, और अगर रिजल्टेंट बनेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हम बाकी की प्रॉपर्टीज को निकाल पाते हैं। आई बात समझ में? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम बेटा सुपर पोजिशन ऑफ वेव, करेक्ट। चलिए इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं सुपर पोजिशन में। देखो बच्चों, अगर मैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बातचीत करूं तो वेव्स चैप्टर में सुपर पोजिशन हम जनरली थ्री टाइप्स का पढ़ते हैं, तीन टाइप का हम सुपर पोजिशन यहां पर पढ़ते हैं। एक तो कहलाता है बच्चों अपना इंटरफेरेंस, जो कि हमारे ट्वेल्थ में भी आता है। एक तो हो गया अपना इंटरफेरेंस, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स को मिला के हम स्टेशनरी वेव फॉर्म करेंगे, और थर्ड जिनको हम बोलते हैं बेटा फील्ड्स। तो देखिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव टॉपिक की अगर मैं बातचीत करूं, तीन टाइप का सुपर पोजिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो इंटरफेरेंस होगा, एक होगा स्टेशनरी वेव बनाएंगे प्रोग्रेसिव वेव्स को मिला के, और एक बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। बीट्स तो आपने सुनी होंगी ना, ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड बज रहे होते हैं, तबले का भी साउंड आ रहा है, हारमोनियम भी आ रहा है, ड्रम भी बज रहा है, सारा कुछ एक साथ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो बीट्स हमें सुनाई देती हैं। तो ये पूरी बात को डिटेल में करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आगे और बताऊं, स्टेशनरी वेव में बेटा मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूशनल स्टेशनरी वेव। यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूशनल स्टेशनरी वेव की भी बातचीत करेंगे एंड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बातचीत करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूशनल को भी अगर मैं आगे बताऊं तो इनको हम डिस्कस करते हैं बेटा ऑर्गन पाइप में, ठीक है। लॉन्गिट्यूशनल हमारी आती हैं ऑर्गन पाइप में, दो टाइप का ऑर्गन पाइप मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ाऊंगा ओपन ऑर्गन पाइप और एक पढ़ाऊंगा क्लोज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या चीज़ है ये भी अपना काम आएगा। सेम ट्रांसवर्स की अगर मैं बेटा बातचीत करूं तो बेटा स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स बनती है, तो स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव हम बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसमें स्टेशनरी वेव हम बना रहे हैं, जो एक बार दो एंड पर फिक्स करेंगे, एक बार एक एंड पर फिक्स करेंगे। कहने का मतलब क्या है ये हम पूरा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि सॉलिड्स में भी बनती है लेकिन हम स्ट्रिंग वाला ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, जो पूरा टॉपिक में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। चलिए इसको भी आप लिख लो बेटा, ये पूरा हमारा टॉपिक है। क्लियर है चीज? वन सेकेंड।
एक सेकेंड, चलिए चलो बच्चों, इसमें पहला ले लेते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस। पहली हम बातचीत कर लेते हैं बेटा इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस क्या है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि लेट से आपको एक ये ट्रेवलिंग वेव गिवन है, प्रोग्रेसिव वेव गिवन है, ठीक है। ये दूसरी एक प्रोग्रेसिव वेव गिवन है। जब इन दोनों को एक पर्टिकुलर पोजिशन पे हम सुपर इम्पोज कर देते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर वाई वन वैक्टर है, इसकी वाई टू वैक्टर है और ये रिजल्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव डेट मीन्स वाई आर वैक्टर डेट इज इक्वल टू होगा वाई वन वैक्टर प्लस वाई टू वैक्टर। वाई आर वैक्टर इक्वल टू क्या होगा? वाई वन वैक्टर प्लस वाई टू वैक्टर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव होगी, करेक्ट। अब देखिए ये तो सुपर पोजिशन का ही कॉन्सेप्ट हो गया। बात आती है इंटरफेरेंस कैसे अलग होगा, तो सबसे पहले आता है हमारा कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। यहां पर अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, अच्छे से समझना। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, देखो बच्चों कंडीशन होती है टू वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड व्हेन बोथ ऑफ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। देखो बच्चों इंटरफेरेंस में उन्हीं वेव को सुपर इम्पोज किया जाएगा जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और इनका फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, फेज डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट हो, उन्हीं वेव को सुपर इम्पोज यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। जैसे लेट से मैं बोल देता हूँ फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है लेट से वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, करेक्ट। और सेकेंड की इक्वेशन है वाई टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो अब समझ लो एक एक बात। इसकी अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बातचीत की जाए तो ये कितनी है ओमेगा, इसकी भी कितनी है ओमेगा। डेट मीन जो सेम फ्रिक्वेंसी वाली हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर अपनी अप्लाई हो रही है, वो यहाँ पर अपनी ट्रू हो रही है। आई बात समझ में? तो पहला तो है दो वेव सुपर इम्पोज होंगी जब दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी हो। अगर मैं यहाँ पर टू ओमेगा बोल देता या ओमेगा बाई टू बोल देता तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं था। ये जो सुपर पोजिशन होता उसको हम फिर इंटरफेरेंस नहीं कहते। इंटरफेरेंस कब कहा जाएगा? जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो और इनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट हो, फेज डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, तभी उसे हम बेटा इंटरफेरेंस बोलेंगे, करेक्ट। तो ये तो हो गया वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू हो गया ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। यहाँ पर ओमेगा अपनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और फाइव क्या है बेटा? फेज डिफरेंस है। देखो फेज डिफरेंस क्या होता है इस बात को भी समझ लो। जैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल है इसको बोलते हैं हम फेज, ओमेगा टी हुआ या ओमेगा टी प्लस फाइव हुआ इसको बोलते हैं हम फेज। अगर मैं यहाँ पर बेटा फेज डिफरेंस लिखता, फेज डिफरेंस, तो ये हो जाता अपना ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। डेट मीन्स कि ये जो फेज डिफरेंस हमारा निकल के आता ये आता बच्चों हमारा पाई, ये हमारा कितना जाता फाई। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है फाई तो फिक्स रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, टाइम वेरिएशन नहीं है, डेट मीन्स कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों का सुपर पोजिशन पॉसिबल है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होती है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस।
अब जब इनको बेटा सुपर इम्पोज किया जाएगा तो यहाँ पर हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी, एंड दिस रिजल्टेंट वेव इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ इंडिविजुअल वेव, डेट मीन्स वाई वन वैक्टर प्लस वाई टू वैक्टर यहाँ पर होगा। ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूँ तो वाई डेट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ए साइन ओमेगा टी, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर बात आ रही है समझ में? ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसके भी डेरिवेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव बन जाती है बच्चों फाइनली अपनी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्योंकि इक्वेशन को तो एक सिंगल फॉर्मेट में लिखोगे ना, दोनों वेव को जब अगर सॉल्व किया जाए मैथमेटिकली तो इनकी जो फाइनल वेव हमारी बनने वाली है वो हो जाएगी बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आई बात समझ में? कितनी हो जाएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, करेक्ट। यहां पर ये जो ए है, हेयर ए इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ए तो क्या है बेटा यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड हेयर थीटा इज अ फेज एंगल। मैं न्यूमेरिकल से एक एक बात को समझाऊंगा, अभी पहले एक एक पॉइंट समझ लो। ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, ठीक है, इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, करेक्ट। ए यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, और थीटा यहाँ पर अपना बेटा फेज एंगल है। आई बात समझ में? अब देखिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ तक बात क्लियर है? कौन से सुपर पोजिशन को इंटरफेरेंस बोलेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। इक्वेशन क्या बनेगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल बनता है बच्चों हमारा यहाँ पर, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर बनेगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। न्यूमेरिकल से भी फिर मैं इनको सभी सारे पॉइंट को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट अभी आप वैसे समझ लो। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, देखो यार सीधी सी कहानी है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव अगर इसको सॉल्व करके निकाला जाए तो ये निकल के आता है अंडर रूट के ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई। यहाँ ए वन ए टू तो क्या है? दोनों वेव के एम्पलीट्यूड है, और फाई क्या है बेटा यहाँ पर? फेज डिफरेंस है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ये होता है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई, ठीक है। फाई हमारा क्या है यहाँ पर? फेज डिफरेंस। इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, अगर फाई जीरो हो जाता तो कॉस फाई डेट विल बिकम इक्वल टू वन, तो ये हो जाता है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। डेट मीन्स इस केस में हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता वो मैक्सिमम मिलता, और वो कितना होता? ए वन प्लस ए टू। इस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता वो मैक्सिमम होता, और वो होता बच्चों हमारा ए वन प्लस ए टू, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विच इज इक्वल टू होगा दिस वन, करेक्ट। चलिए तो ये तो हो गया बच्चों हमारा ए मैक्सिमम। अगर मैं सेम वे में बातचीत करूं यहां पर, इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर फाई 180 की टर्म्स में होता तो कॉस फाई डेट विल बिकम इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो हमें मिनिमम मिलेगा,
और मिनिमम कितना होगा, ए वन माइनस एट। ए मिनिमम क्या हो जाएगा, ए वन माइनस एट। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या कम होगा ये डिपेंड करता है दोनों वेव के फेज डिफरेंस पर। अगर मैं फेज डिफरेंस को जीरो टू पाई इनके टर्म्स में रखता हूँ तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन पाई थ्री पाई की टर्म्स में रखता हूँ तो मिनिमम मिलता है। करेक्ट। चलिए, सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन। आगे देखिए, अगर मैं जैसे एक और केस ले लेता हूँ, इफ फाई इक्वल टू 90, तो कॉस 90 क्या हो जाता हमारा, जीरो। ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखता तो एम्पलीट्यूड मिलता मुझे अंडर रूट के ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मिलने वाली होती है। ठीक है, अगर मैं इस वाली बात को आपको डायग्राम से समझाना चाहूँ तो आप देखो डायग्राम से भी समझ सकते हो, पहले इसे नोट डाउन कर लो। जैसे डायग्राम से समझाने का मायने क्या है, मैं एक बार लाइंस बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, जैसे लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक तो वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक तो वेव जो है हमारी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरी जो वेव है वो भी सेम वे में ही ट्रैवल कर रही है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है। इसका एम्पलीट्यूड है अपना ए वन, इसका है अपना ए टू, ये है वाई वन और ये है वाई टू। अब देखिए, ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ, ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ, तो इनमें जो फेज डिफरेंस है वो भी है जीरो। अगर इनको कंपाइल किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगी। डेट मीन्स का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा ए वन प्लस ए टू। ठीक है, बट अगर मैं अपोजिट केस ले लेता हूँ, लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक तो वेव बेटा ऐसे जा रही है और एक वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, ये पीक ये है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये है ए वन और ये है ए टू। अब देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा, इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से बनेगी, तो ओवरऑल फाई क्या हो गया 180, तो इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो जो रिजल्टेंट वेव रह जाएगी वो कुछ ऐसे रह जाएगी। डेट में एम्पलीट्यूड जो रह जाएगा वो ए वन माइनस ए टू रह जाएगा। तो अगर फेज अलग है तो रिजल्ट सुपर पोजिशन करने पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। आई बात समझ में? तो बेटा जो प्रॉब्लम हमारी बनने वाली है एक एम्पलीट्यूड पर बनने वाली है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का कितना होगा, इस पर हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड आता है कि जो रिजल्टेंट वेव की हमारी इक्वेशन आ रही थी उसका फेज एंगल कितना होगा। जैसे अगर मैं इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, सीधी सी बात है बेटा, टेन थीटा, डेट इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। वही वेक्टर का फॉर्मूला है जी, कुछ भी बड़ा सोचने का नहीं है। इन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स में वैक्टर पढ़ा है, वो तो इसको रिलेट भी कर पाए होंगे। जैसे मैंने बोला था एक ए वन है एक ए टू है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई, ये रिजल्टेंट वेव आ रही है ए, ये बना रहा है एंगल थीटा। तो
ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, और ये क्या हो गया ए टू साइन फाई, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ए भी मिल गया और थीटा भी मिल गया। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर बेटा एक तो मैंने बताया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर लिखा जाए तो ये बनता है हमारा बच्चों ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू। अगर रेशियो आपसे पूछ ले तो ए मैक्सिमम टू ए मिनिमम ये होगा हमारा ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू। एकदम सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। जैसे एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं पहले, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे और कैसे क्वेश्चंस हमारे इन पर बन सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम इस पर कवर करेंगे। चलिए लेट से आपको बोला है वाई वन डेट इज इक्वल टू है फोर साइन ओमेगा टी एंड वाई टू डेट इज इक्वल टू है थ्री कॉस ओमेगा टी। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। एक तो बोला है वाई वन इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी और एक बोला है थ्री साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगी। जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव ये होती है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर ए तो क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और एक थीटा है, ये दोनों बात मुझे पता लग जाए तो मैं बता दूंगा बेटा रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन अपनी क्या होगी, करेक्ट। देखिए ए डेट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई, करेक्ट। ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस फाई। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ ए डेट विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर नाइन प्लस ट्वाइस इंटू फोर इंटू थ्री। अब मुझे क्या पता लगाना है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो देखिए ये तो है फोर साइन ओमेगा टी, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री साइन नाइन्टी प्लस थीटा। साइन नाइन्टी प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, करेक्ट। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया बेटा यहाँ पर पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू क्या होगा जीरो, तो आंसर एम्पलीट्यूड का तो कितना आ जाएगा अपना। समझ में आई बात नहीं आई, एम्पलीट्यूड तो अपना कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर फाइव, सिंपल सा यहाँ पर ये लॉजिक है, करेक्ट। अगला क्या है थीटा निकालना है, मैंने आपको बताया यहाँ पर टेन थीटा डेट इज इक्वल टू क्या होगा ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। वैल्यू पुट कर दो बेटा टेन थीटा डेट इज इक्वल टू, हाँ जी ए टू कितना है यहाँ पर थ्री, साइन नाइन्टी कितना हो गया वन, अपॉन ए वन कितना है बेटा फोर, कॉस नाइन्टी क्या हो गया जीरो। तो यहाँ से थीटा डेट विल बिकम इक्वल टू 37 डिग्री। मुझे क्या मिल गया थीटा भी मिल गया और ए भी मिल गया, बस इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ बेटा वाई इक्वल टू ये हो जाएगा अपना फाइव साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन
क्लियर। चलिए अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं। लेट्स से आपको बोला है बच्चों a1 अपॉन a2 डेट इज इक्वल टू है 3:1। डिटरमाइन ए मैक्सिमम टू ए मिनिमम। आपको a1 अपॉन a2 गिवन है, ए मैक्सिमम टू ए मिनिमम यहां पर आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यार कैसे लिखोगे, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो। ए मैक्सिमम टू ए मिनिमम, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, ये होगा अपना a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 प्लस a2 तो ये हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 3x माइनस x, मतलब कि 4 अपॉन 2, मतलब कि 2:1। ए मैक्सिमम टू ए मिनिमम अगर लिखा जाए तो ये हमारा आएगा बच्चों 2:1। आसान सा न्यूमेरिकल है, तो अगर एम्पलीट्यूड पूछ ले तो एम्पलीट्यूड को भी हम निकाला जा सकता है। आई बात समझ में? देखिए इंटरफेरेंस की बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, और भी अच्छा न्यूमेरिकल बेटा हम यहाँ पर हमारा बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपको फेज डिफरेंस ना देकर पाथ डिफरेंस दे देता है या टाइम डिफरेंस दे देता है। ये टर्म का मतलब क्या है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों एक यहां पर हमारी न्यू टर्म बनती है पाथ डिफरेंस, एक होता है बच्चों फेज डिफरेंस, और एक होता है बच्चों टाइम डिफरेंस। एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस, और एक होता है टाइम डिफरेंस। क्लियर? देखो यार सीधी सी बात है, लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ, आपको कोई भी वेव दी हुई है, ठीक है, ये कोई भी अपने पास वेव है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम इन पे क्या है अच्छे से बन नहीं पाता जितना हमें बोर्ड की प्रैक्टिस होती है ना, लेकिन तब भी चलो ट्राई करते हैं थोड़ी सा सुधारने का। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। चलिए ये जैसे कोई भी वेव दी है, मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो बच्चों जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये तो हो गया जीरो, ये आधी साइकिल कवर की इसने, तो इसको हमने बोल रहा था T/2। ये कंप्लीट साइकिल इसने कवर की तो इसको हमने बोला टाइम पीरियड T, करेक्ट। मैंने बोला कि कंप्लीट साइकिल में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो हो जाता है अपना वेव लेंथ, ठीक है। अगर मैं एंगल की फॉर्म में लिखूं तो ये हाफ सर्किल है तो इसका एंगल हो गया पाई, ये फुल सर्किल है तो इसका एंगल हो गया अपना 2π, ये तो हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा अपना 2π। आई बात समझ में? क्लियर। अब देखो ये जो एंगल है, एंगल को तो हम फेज बोल रहे हैं, एंगल तो हमारा किस की टर्म्स में आ रहा है, फेज की में, ठीक है। ये जो वेव लेंथ है ये हमारा पाथ को बता रहा है, और ये जो टी है ये हमारा बेटा टाइम को बता रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इनका रिलेशन लिखूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो ये जो 2π है दिस इज इक्विवेलेंट टू वेव लेंथ एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू टाइम पीरियड। 2π जो है लेंथ की टर्म्स में वेव लेंथ है, टाइम की टर्म्स में टी है, वही 2π है स्टार्टिंग और एंडिंग के हिसाब से, करेक्ट। बस इनका मतलब अलग है, एक एंगल में मेजर कर रहा है, एक वेव लेंथ में मेजर कर रहा है, और एक टाइम। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मुझे है ना फेज टू पाथ में जाना है और पाथ टू फेज में जाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर बेटा अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये जो 2π है, 2π किसके इक्विवेलेंट है वेव लेंथ के, तो 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होगा लेमडा अपॉन 2π के। अगर मुझे Δφ फेज डिफरेंस को कन्वर्ट करना है पाथ डिफरेंस में, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2π मल्टीप्लाइड बाई Δφ,
आई बात सच में? अगर मैं डायरेक्ट इसे लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट ये होगा, या जैसे ऐसे बोल दूँ, आपको जैसे पाथ गिवन होगा और हमें तो फेज निकालना होता है, तो मैंने आपको बताया कि एक वेवलेंथ किसके इक्विवेलेंट है 2 पाई एंगल के, तो यूनिट वेवलेंथ किसके इक्वल होगा 2 पाई बाई लैम्डा के। लेट्स सी, आपको डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस गिवन है, अगर उसको फेज डिफरेंस में बदलना है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है भाई पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, तो सीधा सीधा फेज डिफरेंस लिखना है, तो लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, तो फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बाई 3। या तो डायरेक्ट लिख लो या इस फॉर्मूले से लिख लो, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई 3, तो वही आंसर अपना आ जाएगा। तो होता क्या है कि आपको है ना, अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए सीधा सीधा फेज डिफरेंस ना देके पाथ डिफरेंस दे देगा या टाइम डिफरेंस दे देगा। जैसे मैं इसको अगर टाइम के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ बच्चों, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई डेट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, भाई वेवलेंथ की जगह टाइम पीरियड आ जाएगा। आ रही ना बात समझ में? जैसे आपको बोल दिया भाई लेमडा बाई 6 पाथ डिफरेंस है, ये इक्वेलेंट होगा फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 6 के, टाइम डिफरेंस T/6 के, सीधा सीधा इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपको कोई दूसरा डिफरेंस दे देना तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदल सकते हैं, फेज डिफरेंस को टाइम डिफरेंस में बदल सकते हैं, अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने वाली बातचीत नहीं है। कॉन्सेप्ट आया समझ में? तो बेटा ये हो गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सुपर पोजिशन में इंटरफेरेंस को हमने समझा, इंटरफेरेंस से हमने एम्पलीट्यूड को भी निकाला। सेकंड, इंटेंसिटी के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, इंटेंसिटी को कैसे निकालेंगे इस बात को हम समझेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जितने भी टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करते हुए चले जाओ। क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट।